मैसेज के साथ आएगा, और जैसे अभी आप सब ने शुरुआत की, टाइटल यूनिक लगा आप सबको, राइट? फिल्म भी यूनिक लगेगी आप लोगों को. ओके मैम, फिल्म विमेन सेंट्रिक है या समाज को या सोशल है, बच्चों को लेके बनाई गई है या कोई आतंकवाद के ऊपर है, क्या है, मतलब किस तरह के कुत्ते के दम को आपने ठीक करवाया, किस समाज के लोगों को ठीक किया आपने? हर किसी को, इंक्लूडिंग हम. हाँ, एक्चुअली यही बोलना चाहता हूँ, हर किसी का अपना एक स्ट्रगल है इंसान बनने का, हर किसी का अपना एक एक्सपीरियंस है, यू नो. तो वही स्ट्रगल के ऊपर है कि व्हेन वी बिकम ह्यूमन, आज हम इंसान बने, हो सकता है कोई 40 साल बाद बने, हो सकता है कोई 5 साल की उम्र में बन गया, हो सकता है कोई मरते दम तक बना, शायद कोई बना ही नहीं, यू नो. इट्स अबाउट दैट. अरे सर, सबके एक्सपीरियंस होते हैं, आपके नहीं है. आज आप देखने जाइए, आप लोग ही कितनी सारी चीज़ें डालते होंगे. हमारी मीडिया इतनी वास्ट हो गई है, मोबाइल ये वो टेक्नोलॉजी आ गई है, लेकिन हम लोग क्या करते हैं? कोई मार खा रहा है, कोई परेशान है, कोई मर रहा है, कोई कट रहा है, हम अपनी इंजॉयमेंट में रहते हैं, हम नई वीडियो लेना है हमको, हम उसको बचाने की कोशिश करते हैं, तो कहाँ है ह्यूमन? So you said you get a good compliment from your producer, in 30 days you shoot, in 12 days you, your cost gone only 30 lakhs. How do you see? Only making, huh? Making. Only making. Please mention. मैंने होमवर्क बहुत किया, बहुत होमवर्क किया, इतना पेपर वर्क किया. बस ये चीज़ मुझे पता थी, अजीज़ भाई से सीखा था मैं कि पेपर वर्क स्ट्रॉन्ग कर दो. मैं अजीज़ भाई के साथ एज एन असिस्टेंट सेट पे क्रिकेट खेलता था. इसका मतलब ये हुआ कि मैं उनको देखता था कितना ऑर्गेनाइज था बंदा वो, एंड दैट हेल्प मी अ लॉट. Okay. और जैसे कि आज पोस्टर लॉन्च हो चुका है, तो फिल्म का ट्रेलर कब तक आ जाएगा और इसको रिलीज करने की क्या प्लानिंग है, आप कुछ बताइए. आप बोलिए मैम, आप थोड़ा आप बोलिए. मैं बोलूं? आज जैसे आप सभी को बुलाया गया है, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग. और सेकंड चीज़ मैं ये बोलना चाहूँगी कि नेक्स्ट वीक हमारा जो ट्रेलर आएगा, डेफिनेटली आपको तो सबसे पहले पता चल जाता है, हमारी डेट तो पीछे पीछे आती है, पहले तो आगे आके आप आ जाते हो, तो वो भी नेक्स्ट वीक तक डेफिनेटली हो जाएगा. ओके, स्टार कास्ट को आज, स्टार कास्ट के बारे में थोड़ा कुछ बताना चाहेंगे आप, कुछ किन किन को लिया है आपने स्टार कास्ट, कोई फैमिलियर टीवी का फेस है, क्या है, थोड़ा सा कुछ ऊपर आप. मेरे लिए, इनके लिए, आप लोग कोई भी जवाब दे सर. ओके, मैं बेस्ट आर्टिस्ट देख रहा था, बेस्ट आर्टिस्ट देख रहा था, मेरी अवेलेबिलिटी के हिसाब से देख रहा था, और मेरे साथ डे नाइट कर सके ऐसे बंदे देख रहा था. वेरी गुड, एक्सीलेंट, ऑल ऑफ देम वर एक्सीलेंट, एक्सीलेंट, दे गिव देयर 100% एंड आई एम क्वाइट हैप्पी विद एवरीबॉडी. ओके सर, आप कुछ ऐड करना चाहेंगे, इससे कम समय में सर ने फिल्म बनाई है. मेरा जहां तक सोचना है, जहां तक मैंने देखा है मेरे बच्चों को, अपने सोच में और अपने विचार में वो मुकम्मल है और बहुत ही सोच समझ के काम करते हैं, और इनके दिमाग अगर इनको कोई ऐसा शख्स मिले एकदम ताकतवर, तो ये दुनिया को कुछ भी इतना पावरफुल चीज़ें दिखा सकते हैं, लोगों की तकलीफें, लोगों का अपना सोचना, और दुनिया में जो जो चल रहा है उनको सुधारने की, उनको सही रास्ते पे लाने की जो एक सॉल्यूशन है, वो इनके दिमाग में चल रहा है, क्या चल रहा है वो इनकी ताकत है. और ख़ास करके इस पे सुनील पटेल पे मैं बोलना चाहता हूँ, इसके दिमाग में बहुत सारी चीज़ें भरी हुई हैं, वो निकले और ऐसे निकले कि सब सबको फ़ायदा हो, पूरी समझो इंसानियत को फ़ायदा हो, ऐसी बातें इनके पास है. आप लोगों के सपोर्ट के साथ. हाँ बिल्कुल, that's the honest answer. Yeah. Because the social media is a very important factor nowadays to interact with the fan people. So how you are doing in the social media? कहाँ कहाँ इसके promote करने आए? थोड़ा सा कुछ अगर बताना चाहिए किस तरह से. Actually हर जगह पे प्रमोशन बहुत ज़रूरी है, और मीडिया बहुत बहुत खास इसमें योगदान देता है अपना, एंड इट इज कम्प्लीटली सपोर्ट, इट्स गुड. ओके मैम, एज अ वुमेन प्रोड्यूसर, व्हाट काइंड ऑफ प्रॉब्लम डिड यू फेस व्हाइल कि इतना बड़ा रिस्क लेना, कि चाहे वो 30 लाख ही हो कम आप बोल रहे हैं, लेकिन
कई लोगों को ये बहुत ही बड़ी अमाउंट है तो एज अ रिच वुमन कितना आपने ये सोचा था आपको अपना 30 लाख इन्वेस्ट करना है? थोड़ा मैं बोलूं फिर तो ऐड कर से मैं बोलूं सर? बोलिए आप सर। इनको नहीं बनानी थी मेरे साथ फिल्म, ये ऑनेस्ट आंसर, नहीं बनानी थी। मैं स्ट्रगल कर रहा था अजीज भाई को असिस्ट करने के बाद, मैंने बहुत स्ट्रगल की, छोटे छोटे प्रोजेक्ट बहुत किए मैंने, इनको नहीं बनानी थी। मैं आया प्रोजेक्ट लेके, ये लोग ऑलरेडी फिल्म बना रहे थे, किसी के साथ बात चल रही थी, मार्केट के डायरेक्टर, मार्केट के एक्टर, आई ट्राइड एंड दे लाइक्ड इट एंड बजट वॉज सरप्राइजिंग एंड दे वर नॉट कन्विंस्ड। एक्चुअली एक दो महीने तो ये लोग सोच रहे थे ऐसा कैसे पॉसिबल है, बट आई शोड देम कि दिस इज हाउ आई एम गोइंग टू डू, ये ग्राफ है, तो दे अंडरस्टूड एंड दे वंस इन्वेस्टेड एंड दे अंडरस्टूड कि यस इट इज गोइंग टू हैपन एंड फाइनली इट डिड। हमारे जो प्रेजेंटर है मिस्टर सत्येंद्र त्रिपाठी, उनको कन्विंस बहुत करना पड़ा इस चीज़ के लिए, उनको कॉन्फिडेंस में बहुत लाना पड़ा, क्योंकि बिकॉज ऑफ फर्स्ट ऑफ ऑल वो इस इंडस्ट्री के नहीं हैं, बट इस इंडस्ट्री में रहकर उस चीज़ को फेथ करना, क्योंकि आज जो भी है, हमने नए एक्टर्स को लिया या फर्स्ट डायरेक्टर को लिया है, हमने डेफिनेटली हर कोई अपने काम में पहली बार ही आता है, तो पहली बार ही इतना अच्छा है तो। बट सत्येंद्र जी के लिए मैं एक और चीज़ ऐड करूँगा, उन्होंने स्क्रिप्ट भी नहीं सुनी थी, उनको सिर्फ फिल्म बनानी थी। ही इज़ मैड अबाउट मूवीज, ही वॉन्ट्स टू बिकम गुड प्रोड्यूसर इन फाइनेंसर, दैट्स वाई ही प्रोड्यूस्ड। ओके, सिनेमा को रिलीज करना सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट फैक्टर होता है। आपने तो फिल्म बना दी है, बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन डिस्ट्रीब्यूटर बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है कि फिल्म को रिलीज करना, तभी फिल्म ये लोग जब लोग देखेंगे तभी पता चलेगा कि फिल्म ने कितनी कमाई की, कलेक्शन कितना। तो वो डिस्ट्रीब्यूटर को लेके कितने आप कॉन्फिडेंट है कि हाँ इतने सिनेमा घरों में रिलीज करवाना है फिल्म को? ये पहले दिन से थे ना, पहले दिन से और हम लोग इसके लिए रेडियो पब्लिसिटी, बसेस, फूडिंग, सोशल मीडिया, एवरीवेयर जहाँ जहाँ हम प्लेटफॉर्म, एवरी प्लेटफॉर्म पे हर जगह हम लोग इसका प्रमोशन कर रहे हैं। बात करें म्यूजिक के, म्यूजिक कितने होंगे, किस तरह के गाने? हमारी मूवी में 5 गाने हैं और इससे बेटर, मेरे से बेटर हमारे डायरेक्टर साहब बता रहे हैं। 200 थिएटर से स्टार्ट करेंगे, फिर नेक्स्ट वीक से वापस से 100 करके 100 एवरी वीक चलाएंगे। मैम, इसके पहले भी आपने कई सारी फिल्में ली है, वो काफ़ी हिट हुई है बिकॉज ऑफ योर पब्लिसिटी सोशल मीडिया के द्वारा, और सबसे बड़ा सिंह का जुड़ना बहुत ही बड़ा नाम होता है, तो उसको लेके आप कितने बताओ, कितने होर्डिंग देने वाले हैं इस फिल्म को? इसके लिए हम लोग 40-50 होर्डिंग लगा रहे हैं, थैंक्स टू मिस्टर फहीम पाटिल वाला सिंह का एडवर्टाइजिंग जो हमें काफ़ी सपोर्ट कर रहे हैं, और थैंक्स टू हमारे डिस्ट्रीब्यूटर जो थिएटर्स हमें दे रहे हैं अच्छे। जनरली हम लोग सभी देखते हैं कि भाई कुत्ते की तुम किसको बोला जाता है जो नहीं सुधरते। सुनी जी जी हाँ, आई एम वेरी सॉरी, तो जो लोग नहीं सुधरते उनके बारे में ये बोला जाता है, तो खासकर ऐसा कौन है? एक्चुअली हम सभी हैं, हम सभी से मिस्टेक हो जाती है, बट एज अ ह्यूमन व्हेन वी लर्न देन वी विन फ्रॉम दिस टाइटल कुत्ते की तुम। रिकॉग्नाइज फेसेस की इसमें फिल्म में जरूरत नहीं थी, क्योंकि टीनेजर का था, कम्प्लीटली टीनेजर की फिल्म है, और जितने दूसरे सपोर्टिंग आर्टिस्ट हैं सारे अवार्ड विनिंग हैं, स्टेज आर्टिस्ट दिल्ली पंजाब एंड ऑल नॉन आर्टिस्ट। तो सर ये भी जानना चाहूँगा कि जो आपको सपोर्ट कर रही हैं, प्रोड्यूसर सोनिका जी हैं, को प्रोड्यूसर शुभ चांदनी जी हैं, तो ये बताइए कितनी बड़ी बात है कि आपको दो फीमेल सपोर्ट कर रही हैं, क्योंकि ऐसे भी आमतौर पर भी फीमेल का ही हाथ रहता है कामयाबी में, तो क्या कहना चाहेंगे बारे में? मेरी लाइफ में हमेशा फीमेल के ही हाथ रहे और अच्छा है, मैं तो शुक्रिया अदा करता हूँ इनका, क्योंकि सबसे पहली बात तो दोनों मेरी सिस्टर हैं। सर आपसे जानना चाहूंगा, इस फिल्म का पोस्टर भी यूनिक नेम है, मतलब मैं बताना चाहेंगे कि इस तरह का नाम रखने की क्या जरूरत थी, मतलब सच नाम रखने की क्या जरूरत है, आप दूसरा भी नाम रख सकते, टाइटल रखने का मकसद क्या था, मतलब मेरा सब्जेक्ट ही वो मांग रहा है, इट्स अबाउट बीइंग ह्यूमन, हम ह्यूमन बने फर्स्ट,
मुझे बचपन से एक चीज की बहुत इरिटेशन होती थी. ऐसा नहीं है कि भाई मुझे नफरत है एनिमल से या डॉग से या कुछ, बट वो टाइटल फेथफुल टाइटल मैंने स्कूल टाइम में सुना कि फेथफुल टाइटल कुत्ता जीत गया यार. आई एम नॉट हर्ट बट एज अ ह्यूमन बीइंग आई एम हर्ट दैट आई लॉस्ट दिस टाइटल. मैम आप कुछ बताना चाहिए, आपने इस फिल्म को फाइनेंस किया आप लोगों ने, व्हाट इज योर मेन पर्पस टू फाइनेंस दिस फिल्म फॉर बोथ ऑफ यू? ये फिल्म एक्चुअली बनाने से पहले हम लोगों ने डिसाइड किया था कि हम कोई बड़ी फिल्म के साथ आना चाह रहे थे, बड़ा डायरेक्टर, बड़ी स्टार कास्ट. तो हमारा प्लानिंग ऑलरेडी ऐसा चल रहा था कि हम फर्स्ट जो काम करेंगे एक बड़ा बजट लेके बड़ी चीज़ लेकर आएंगे. देन जो भाई है हमारा सुनील पटेल, वो ऑलरेडी असिस्ट कर चुका था मिस्टर अजीज साजवाल को, और उसके पास एक अच्छी कहानी थी और 100% भाई है हमारा, तो वो चीज़ हमें अच्छी भी लगी. और उसने अनबिलीवेबल प्राइस बताई कि मैं इतनी चीज़ में आपका प्रोजेक्ट कंप्लीट करके दूंगा और इतने दिन में. आप लोग जानना चाहते हो कितना दिन और कितना बजट? हाँ बता दो. पक्का 12 दिन में ये फिल्म के शूट को कंप्लीट किया है, 12 days, जो अनबिलीवेबल है. और जो प्राइस हमें बताई गई थी, जो हमारी सोच थी, हम अलग सोच के चल रहे थे, तो जो प्राइस हमें इसने कहा 30 lakh में, उसने शूट 12 days में हमें कंप्लीट करके दिया है. तो हम तो एक चांस ले रहे थे, हमको तो करना था बड़ा काम, तो वाई नॉट, अगर भाई है तो एक चांस देके देखते हैं. मीन्स फेथ के साथ स्टेप नहीं लिया हम लोगों ने कि चल भाई है तो हम लोग एक कोशिश तो कर सकते हैं ना, देखते हैं इतने छोटे में क्या बनता है. आप लोग को लगता है कुछ बनता है? नहीं. But how was the quality, ma'am? जो ये चीज बनी है इतनी बेस्ट क्वालिटी है, आप लोग देख के शॉक हो जाओगे फिल्म को. जो बड़ी फिल्में होती है, जो एक लेविश लुक है, और फिल्म से कहीं आपको डिसअपॉइंटमेंट नहीं मिलेगा. इतना बेस्ट काम करके दिया है, मतलब हमको लगता है कि काश हमने पूरा जो बड़ी के लिए सोचा था इसमें डाल दिया होता तो और क्या आता. ये निखार जबरदस्त बनी है मूवी, अनबिलीवेबल. 12 डेज आप सोच के देखिए, 30 lakh ओरिजिनल भी नहीं बनती है. ओके मतलब आपने स्क्रिप्ट पढ़ा होगा, तो व्हाट इज योर फर्स्ट रिएक्शन व्हेन यू रेड द स्क्रिप्ट? शॉक, मींस कॉमेडी विद हॉरर, और बच्चों के साथ आप फैमिली के साथ देख सकते हैं, बहुत बड़ी बात है. हम कहानी की अगर बात करें तो किस तरह की स्टोरी है इस मूवी में, पहले लोग देख चुके. मुंबई रफ्तार न्यूज़ की खबरें पसंद आने पर हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें.